हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और हमारी ट्रिप की फोर्थ डे की मॉर्निंग हो चुकी है और हम बोट हाउस में स्टे कर रहे हैं। ये रहा हमारा बोट हाउस का रूम, ये रहा इधर से, ये रहा विंडो, सूरज आ रहा है सुबह सुबह। नीचे बहुत बढ़िया मज़ेदार है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, बहुत हल्की सी मूवमेंट करता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। अब ये नहीं पता ये नॉर्मल बोट की तरह रुके हुए हैं या वो लगा रखे हैं, होते ना डंडे डंडे से लगा देते हैं उनसे। बाकी एक्सपीरियंस कश्मीर का ये सब पहली बार इस वीडियोज़ में ही देखा था। यहाँ के मज़ा आ रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है आपको। अभी आगे जब अभी अभी आगे आगे जो भी एक्टिविटी करेंगे आपको दिखाएंगे आज, मतलब कहाँ पर जा रहे हैं। कहाँ वैसे आज हमारा गुलमर्ग जाने का है प्लान, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या, पता नहीं बर्फ़ तो मिली नहीं हमें अभी यहाँ पे क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। हम सोच रहे हैं बर्फ़ मिल जाए तो और मज़ा सा आ जाएगा। बाकी बहुत खूबसूरत जगह है वैसे भी। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ मॉर्निंग का व्यू। ये हमारी हाउस बोट, इसका टैरिफ है बाहर का। और ये भी डल लेक कश्मीर श्रीनगर। यहाँ से भी एंट्री थी और यहाँ पे अपना बैठ के खाने वाने के लिए ये चल रही है बोटे। देखो तो फ्रेंड्स, हमने क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और अब हम बोट में जाएंगे। हमारी बोट में घूमने की तैयारी है, ये जा रहे हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद पहले हम बोट घूमेंगे थोड़ी देर। आजा दो दे दो हाँ। पहले हम बोट में घूमेंगे, अब थोड़ी देर यहाँ पे इंजॉय करेंगे, इसके बाद फिर हमारा प्लान है गुलमर्ग का। अभी पहले यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आपको, उसके बाद गुलमर्ग दिखाएंगे, ठीक है। पूरा ऊपर मंदिर, और अभी मैं भाई से बताऊँगा कौन सा मंदिर है। भाई कौन सा मंदिर है? शंकराचार्य। यहाँ गया फास्ट फूड। ये भैया दुकान है देखो, यहाँ पे झील के अंदर इसके ऊपर जुगाड़ लगा रखे, कुछ लोहे दादे लोहे तक गल रहा है ना। ये भाई अपना झील है, उसमें चारों तरफ के बीच बोटिंग सिस्टम है। भाई फ्रूट्स आ गए नाव में ही। हाँ भाई आइसक्रीम, आइसक्रीम चल रही है भाई। ये रहा उक्का जाटो का, देसी घी अपने रखा है बोट में। देख एक बार टेस्ट करके देखो, कोई सा कोई कर ले ना ते तीनों टेस्ट रब दे रहा आ दे रहा जा तू जा। बोटिंग हो चुकी है कंप्लीट हमारी। हमारे भाइयों ने उक्का बैकपैक बॉक्स सब निकाल लिए हैं। अब हमारी तैयारी है कहाँ चलने की भाई? गुलमर्ग। अब हम जाएंगे, हमारा नेक्स्ट होगा गुलमर्ग। टाइम देखेंगे तो लगेगा 1.5-2 घंटे, वहाँ जाके एंजॉय करेंगे। अब आ जाओ हमारे साथ चलो गुलमर्ग। बाय बाय डल झील। गुलमर्ग के लिए निकल चुके हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ कर, और डल झील को कर दी है बाय बाय। अब गुलमर्ग का ट्रिप है। तो गाइस हम आ चुके हैं गुलमर्ग के रास्ते, गुलमर्ग की वादियों में। ये देखो आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं गुलमर्ग के रास्ते कैसे हैं। मतलब भाई अगर जिंदगी में कभी मौका लगे तो गुलमर्ग जरूर आओ अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए। अपनी लाइफ में गुलमर्ग मतलब इससे सुंदर वो नहीं देखी हिल स्टेशन, मतलब इतना सुंदर है ना, बौद्ध चरण का तो नाम ही नहीं है। सामने बर्फ का पहाड़, इधर देखना हरियाली, सुंदरता इतनी है ना, इस क्या बताऊं, दिल गार्डन है। गार्डन देख ऊंचे ऊंचे पेड़, ये देखो जिंदगी जीने का मजा जावे जब एक बार गुलमर्ग आओ। आप शहर की धूल मिट्टी में कुछ नहीं रखा, इतनी सुंदरता है।
कमाओ और उड़ाओ, कमाओ पता नहीं जिंदगी कब स्विच ऑफ हो जाए। लाइफ स्विच ऑफ होगी तो फिर उसका चार्जर है नहीं, ना रिचार्ज होता, ना रिचार्ज है, ना चार्जर है। What is the way? Love the way you lie. बर्डी जरूर आना। सबसे सुंदर बताया भाई गुलमर्ग, एवं गल नहीं होंगी गुलमर्ग दिया। ओके गाइस बाय, बार बर्फ पर जाके दिखाएंगे अब तुम्हें माहौल क्या है। फ्रेंड यहाँ से गुलमर्ग रह चुका है बस 1 किलोमीटर, बीच रास्ते में रोक के आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं, यहाँ की खूबसूरती ये देखो, ये नीचे रह गया है सारा, हम इतने ऊपर आ चुके हैं। ये सारा बर्फ है, बर्फ ही हाथ नहीं आ रहे हमारे, कोशिश पूरी कर रहे हैं बर्फ में जाने की बट बर्फ हाथ नहीं आ रही हमारे, ऊपर ऊपर बर्फ है। देखेंगे आगे गुलमर्ग में जाके कहाँ मिलेगी। ये देखो खूबसूरती, प्यारी प्यारी हरियाली। यहाँ पे ऐसे होता देखो, ये रोड कट चुके हैं, बारिश में कट जाते हैं रोड। ये है गुलमर्ग जहाँ पे बर्फ होती है, बट यहाँ पे अगर बर्फ होती ना बहुत अलग ही व्यू होता। ये यहाँ छोटे छोटे से पहाड़ जिसमें लोग रील्स बनाते हैं, थोड़ी सी निचाई से ऊपर आते हैं एकदम से बढ़िया से। ये रहा वो गुलमर्ग, से लोग जन्नत बोलते हैं, बाकी हम गलत टाइम पे आ गए, शायद हमें जन्नत नहीं मिल पा रही है, बर्फ़ ही नहीं मिल रही है हमें, बर्फ़ के बिना मज़ा नहीं आ रहा। कोशिश कर रहे हैं शायद कुछ हो जाए बट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऊपर बता रहे हैं वहाँ पे अभी ट्रॉलीज़ की बुकिंग वगैरह होती है, वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो पहली बुकिंग करानी पड़ती है। ये देखो ये मज़ा है यहाँ का, यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, अभी हम कुछ खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें श्रीनगर डल लेक से आए हैं, डल लेक से गुलमर्ग में आने के लिए टाइम लगा था 2.5 घंटे हमें, मतलब 2 और 2.5 के बीच में, वो आपके ऊपर बात है आपकी स्पीड के ऊपर बात है। तो वहाँ से इतना टाइम लगता है यहाँ पे आने के लिए, वैसे पड़ता है किलोमीटर्स पड़ते हैं 55 to 57 किलोमीटर के लगभग है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आप देख लेना, बाकी मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा था बट मैं भूल रहा हूँ कि 55 है 57 है, तो 52 किलोमीटर का फ़र्क है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसे कहते हैं गुलमर्ग, जो है कि स्वर्ग बोलते हैं, अगर जिंदगी स्वर्ग देखना है तो यहाँ पे देख लो, जिंदे जीते जी देखना है तो। बाकी अभी यहाँ पे वो नहीं है बर्फ़ नहीं, अगर बर्फ़ नीचे भी यहाँ पे होती ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बस ऊपर बर्फ़ है वहाँ पे, यहाँ पे जाती ट्रॉली और उसकी कम से कम 1 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, फिजिकल बुकिंग ही नहीं है इसकी। हमने बहुत कोशिश कर ली बात करने की कि हो जाए बट नहीं हो पा रही है, बाकी देखेंगे शायद घोड़ों के थ्रू कुछ हद तक जा सकें जहाँ पर हमें बर्फ़ मिल जाए, ट्राई करेंगे। अभी हम यहाँ पर स्टे लेंगे आज रात का, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या। अभी हम मैगी वगैरह बनवा रहे हैं कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। ये बैठे हमारे सारे भाई, ये रे फ्रेंड्स, अभी हम रूम ले रहे हैं और वो खड़ी अपनी गाड़ियाँ, ये फ़ायदा है थार का और टाटा हैरियर का, ऊंचाई पे खड़ी होगी, अगर छोटी मोटी होती है वहाँ खड़ी ना हो पाती वो। और ये रास्ता अपने होटल के लिए, देखो ये रे पहाड़ देख लो अच्छे से, आप भी घूम लो मेरे साथ। ये है अपना होटल, ये जितना भी आपको हरा हरा दिख रहा है ना सब सफेद होता था बर्फ से। ये देखो खूबसूरती के नज़ारे, ये रहे हमारे भाई, भाई ने सेलेक्ट किए हैं होटल बढ़िया बढ़िया लोकेशंस पे, ये देखना क्या बढ़िया नज़ारा है। और ये देखो असली कहर, ये रही अपनी दोनों ब्लैक ब्यूटीज, रात के व्यू का नज़ारा लेते हुए बैठे हैं। हाँ यह वाली सही आ गई, तो ठंड
फुल मौज जा रही है भाई। व्यू देखो यहाँ से रात का, कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा जो मैं मतलब आंखों से देख पा रहा हूँ ना, जरा मैं आपको बता नहीं पा रहा अच्छे से। ये रहा सिस्टम पे सिस्टम बैठाए जा रहे हैं। तो भाई अभी फाइनली हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं आज रात, और मॉर्निंग में कोशिश पूरी जा रही है हमारी कि हम चंदनोला है गंडोला। हाँ केवल ट्रॉली है भाई, जहाँ पे बर्फ आपको दिखा रहा था मैं ऊपर, वहाँ की कोशिश चल रही है पूरी की। ऑफलाइन टिकट्स तो है नहीं, ऑनलाइन अभी बात करिए किसी के थ्रू मे भी हो जाए, तो शायद देखते हैं वहाँ के नज़ारे, फिर वहाँ भी आपको अपने साथ लेके चलेंगे हम। तो आज हमारा फोर्थ डे ऑफ ट्रिप, यहीं पे स्टे है हमारा ना भाई, चार दिन हो गया हमें आज, और आज की रात हम यहीं रुके हैं गुलमर्ग के अंदर, जन्नत के अंदर। और अपना इंडिया का झंडा ये रहा।